कोरोना काल में जहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए हर गली चप्पे चप्पे पुलिस तैनात है, वहीं पुलिस की ही नाक के नीचे असामाजिक तत्व अपनी गलत हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। सामाजिक तत्वों ने जहांगीराबाद स्थित सिलावट समाज के शिव मंदिर में लगे बैनर पर काली पोथी और तोड़फोड़ की। समाज के बीच में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व ऐसी हरकत करते हैं जो माफी के काबिल नहीं होती। ऐसे असामाजिक तत्व धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आते। मामला जहांगीराबाद स्थित सिलावट समाज के शिव मंदिर का है, जहां कुछ लोगों ने घुसकर बैनर पर काली पोती और तोड़फोड़ भी की। यह हरकत किसने की इसका पता अभी नहीं लगा है, लेकिन कहा जा रहा है कि यादवों के बटे दो समूहों का झगड़ा हो सकता है। अहीर समाज और सिलावट समाज में आपस में नहीं बनती, मंदिर को लेकर भी झगड़ा चल रहा है। अब सिलावट समाज ने इसकी शिकायत थाने में जाकर पुलिस से की है। हरकत किसी की भी हो, समाज के लोग इस घटना से आक्रोशित हैं। सिलावट समाज के अध्यक्ष हरीश पटेल हैं, मंदिर की देखभाल भी वही करते हैं। हरीश पटेल ने काली पोतने की इस घटना की निंदा की है। गणेश सिलावट, भोलाराम सिलावट, पुरुषोत्तम मौर्य, शिवनारायण पटेल के साथ थाना प्रभारी को लिखित में शिकायत भी की है और जल्द से जल्द जांच कर असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारा शिव मंदिर प्रांगण में तकल्पन सिलावट समाज एकता संगठन समिति का एक अपना बैनर लगा हुआ था, वो अपना कल 28 तारीख की मध्यरात्रि को कुछ अपने असामाजिक तत्वों द्वारा उसको बैनर के ऊपर काली पोत दी है, जिसकी हमने आज सुबह थाने में जाकर के उसका आवेदन दिया हुआ है। जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, ये उनका कायरतापूर्ण हरकत है, जिसकी हम पूरी सिलावट समाज के लोग उसकी निंदा करते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।